going to start past perfect tense because in the earlier videos we have already completed present tense and in past we have completed simple past and past continuous and this is the third video of past tense that is simple perfect tense. First of all we would like to know that what is past perfect tense. So I have written here an action which had already been completed in past time that is called past perfect tense. मतलब कोई भी काम जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका था उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं. आइडेंटिटी दैट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस दैट इज बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस और नॉट. इफ यू सी इफ अ सेंटेंस हैविंग हैड एन थर्ड फॉर्म द वर्ब. मतलब कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो यदि उसमें हैड लगा हो और उस हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया हो तो वैसे में वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करता है. इसकी यही आइडेंटिटी है. हिंदी की बात करें सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में चुका है चुका था चुकी थी चुके थे लिया था लिए थे ये सब लगा हो हालांकि ये सब परमानेंट आइडेंटिटी नहीं होती है. यदि परमानेंट आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा आइडिया एक होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए यदि कोई भी एक्शन हो कोई भी कार्य दिखाया गया हो सेंटेंस में जो भी काम हो यदि उसे ये पता चले कि काम हो चुका था तो उसको हम लोग डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट में पास जान सकते हैं लिख सकते हैं मान सकते हैं. जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं खा लिया था या मैंने खाया था या मैं खा चुका था. ये तीनों एक ही बात है. जो खाने खाना जो एक्शन है वो दिखाया जा रहा है कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था और ये इसका जो हम यहाँ पर आइडेंटिटी देख रहे हैं वो बिल्कुल से अलग है. तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है. मतलब ये है कि हमारा एक्शन यदि ये दिखाए कि पास्ट में कोई काम हो चुका था तो डेफिनेटली वो पास्ट परफेक्ट से बिलोंग करता है. स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे. तो अफर्मेटिव हाउ टू चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इन हिंदी इंटू इंग्लिश दैट इज द वे टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इंटू इंग्लिश. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट यू विल राइट हैड देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल देखें दे हैड गॉन आउट फॉर मार्केटिंग. फॉर निगेटिव यू विल हैव टू यूज सब्जेक्ट देन आफ्टर हैड देन आफ्टर नॉट देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप. That is, if you see the example, we had not attended his party. And the third one, that is, you know very well, interrogative sentence. You know very well that I have already divided the interrogative into two different parts, two different kinds. That is, first one is the affirmative yes-no type question, and the second one is the WH type question. In the first yes-no type question, you need to use had in the starting of the sentence. Then after you will use subject. Then third form of the verb, then object, then last question mark. If you see the example, had I bought a house? And the second one is the WH type question. In WH type question, you need to find out the words in Hindi which in the English word it starts from W or H. That is WH word. You will firstly write the WH word, then after had, then subject, then third form of the verb. Then object, then question mark. If you see the example, why had she gone to her office? That is the example. And students, generally, कभी कभी past perfect में दो sentences एक साथ देखे जाते हैं और वो दो sentences में एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है. यदि example देखें तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी ये आपने बहुत जगह सुना होगा. तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो काम पहले हो रहा हो ठीक है ना जो काम पहले हो रहा है वो उसको हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट में और दूसरा जो काम बाद में हो रहा हो उसका हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल हमने अभी बताया था आपको कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी
तो इसको हम इसी पे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ देखिए दो काम दिया जा रहा है, मेरा स्कूल पहुंचना और घंटी का बजना। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घंटी बज चुकी थी, कब, जब मैं स्कूल नहीं पहुंचा था, यानी कि पहले काम कौन सा हुआ, तो घंटी का बजना। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो काम पहले हो रहा है उसके लिए हम लोग पास्ट वर्ब का यूज करेंगे। तो पहले उसको बना लेते हैं, और के पहले के लिए बिफोर का यूज करते हैं, और दूसरा जो काम है मेरा स्कूल पहुंचना उसको सिंपल पास्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर आई रीच टू द स्कूल। यहां हो जाएगा द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच टू द स्कूल। जब तक मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, साफ साफ दिख रहा है कि पहले काम हो रहा है घंटी का बजना, जिसको हमको पास्ट वर्ब बनाना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको सिंपल पास्ट में बनाना है। इसमें एक और चीज होता है, यहाँ के पहले की जगह पे कभी कभी के बाद में आता है, जैसे मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो बिल्कुल इसको हम पलट देते हैं, यानी कि बिल्कुल सब उल्टा करते हैं। हालांकि ये जो हमारा फॉर्मूला है कि जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट वर्ब में बनाना है, ये डेफिनेट है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट वर्ब में बनाना है। अब यहाँ बिफोर है तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, पास्ट वर्ब का यूज करेंगे और बाद में सिंगल पास्ट का यूज करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे बीच में आफ्टर आ रहा है, यानी के पहले हो रहा है के बाद हो रहा है सॉरी, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल एक्सचेंज कर देंगे, उलट देंगे। तो हो क्या जाएगा, ये यहां देखिए आई रीच टू द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रैंग। यहां पे क्या था कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, अब यहां पर मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, तो ये दो चेंजेज हैं। इसमें एक और चीज आता है, इसमें एग्जांपल देखें तो आता है कि जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो उसको भी हम ऐसे बनाएंगे। अच्छा, इसमें पास वर्ब में कभी कभी इमेजिनरी भी आता है, जैसे इमेजिनरी आपको दिखाते हैं, वैसे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं आपको। जैसे वो ऐसे बातें करती है और जैसे वो कोई प्रधानमंत्री हो, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और स्पेशल काइंड से और आते हैं एग्जांपल,